तो दोस्तों अभी हो चुकी है प्यार सी मॉर्निंग, और दोस्तों आज हमारे बजीस का, हमारे बड़े वाले केज में आज इनका फर्स्ट डे था, मतलब इनकी फर्स्ट रात यहाँ पे एकदम आराम से गुजरी होंगी। तो यार सारे हमारे बजीस में चेक कर लेता हूँ यार यहाँ पे है, मतलब हाँ यार सारे के सारे तो है यार, बाकी के कहाँ गए। हाँ ये इसी रोड पे सारे हमारे बजीस बैठे है और बड़े एक्टिव भी यार, पेयरिंग में बैठे यार ये। ये देखो ये वाला हमारा एक पेयर, उधर वाला एक पेयर है, और मुझे दो ही टेंशन थे यार हमारे कॉकटेल के साथ ये आराम से रहेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स थे कि भाई कॉकटेल और बजीस साथ में नहीं रहते यार। मुझे दो ही टेंशन थी कि यार कॉकटेल इनको, इनके ऊपर गुस्सा ना और इनको कोई दिक्कत ना खड़ी कर दे, और जो दूसरी टेंशन थी कि भाई यहाँ से बिल्ली इनके ऊपर अटैक ना कर दे, क्योंकि यहाँ पे बजीज रात को आया था, मैं यहाँ पे बैठे थे यार लाइन में, तो मैं इनको यहाँ से ऐसे उड़ा दिया था और ये सारे के सारे उस रोड पे बैठ गए। तो दोनों टेंशन आराम से सुलट गई भाई, मतलब कॉकटेल भी हमारे बजीज को कुछ नहीं किया और बिल्ली भी कुछ कर नहीं पाई। हे गाइस वेलकम बैक, और दोस्तों हमारे जो ऑस्कर बेबी ऑस्कर फिश है उनकी मैंने ट्रीटमेंट चालू कर दी। आप इनके ऊपर छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट देख सकते हो, जो कि इनको व्हाइट स्पॉट का डिसीज हुआ है। तो ट्रीटमेंट में मैंने यूज किया है दोस्तों यहाँ पे एक्वेरियम सॉल्ट हीटर और मिथिलीन ब्लू लिक्विड। तो देखते हैं यार ये कब तक ठीक होते हैं। बाकी हमारे ऑस्कर फिश तो एकदम एक्टिव है यार, ये देखो सारे ऑस्कर फिश हमारे एक्टिव है, मतलब इनको हो जाएंगे यार कवर, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे ही बेबीज हमारे कवर किए थे। तो देखो यार ये पूरे के पूरे व्हाइट स्पॉट से घिर चुके हैं, तो यार आप प्रे करना यार ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो दोस्तों हमारी जो सेकेंड वाली पैकू फिश थी, जो कि हमने उसको कल ही ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया था, बट यार मैंने आज उसको मॉर्निंग में देखा वो नहीं बच सकी यार। और दोस्तों इतनी सारी ज्वारी हमारा ध्रुव भाई हमारे लेके आया भाई हमारे पिजन्स के लिए। हाँ यार देखो भाई कितनी सारी है, सुन ना ध्रुव इसे कैसे देना है, सीधा थोड़ा थोड़ा दे देंगे ना, बाद में बाढ़ के देंगे। चलो खोल दे किचन का किच, बहुत अच्छे खा रहे भाई। और दोस्तों हमारे जो लिली के बेबीज है वो यार अलग ही इनकी साइज हो रही है, और इनका कलर भी हाँ ना यार अलग ही चलते हैं यार, इनकी चलने के स्टाइल बहुत ही ज्यादा कॉमेडी यार। देखो यार कितना एक्टिव है यार ये सारे के सारे ना, गिना फॉल के बेबीज है इसलिए ऐसे हो रहे हैं यार। और आगे जाके ना दोस्तों इनको ऐसे ना भाई स्पॉट आ जाएंगे उनके, और हमने नॉर्मल को मुर्गी के हिसाब से बहुत बड़े बड़े होते हैं गिनी फॉल। देना देना उस पर नीचे डाल दे, नीचे खाने का ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। हाँ नीचे डाल दे, आओ आओ करके आओ आओ आओ। ये टमाटर बड़े शौक से खाते हैं यार, देखे कितने एक्टिव है। और ध्रुव तुझे पता है भाई मैंने कल का ब्लॉग देखा तुमने, हाँ। बजेल हमारे बड़े केज में। अरे यार तू तो सही पहचान गया। और भाई मैंने क्या किया भाई, यहाँ का सारा हमारा रूम का जितना भी सामान था यहाँ से सब निकाल दिया, ठीक है। अच्छा ना अभी बहुत फ्रेश फ्रेश लग रहा है। और अभी हमें यहाँ पे क्या करना है तुझे पता है? भाई पेट्स ने ऐड कर देना यहाँ पे, पेट्स क्यों ऐड करेंगे, डॉग वगैरह रखने के लिए तो अपने को परमिशन नहीं है। और आज सुन मेरी बात, आज अपने को है ना ये वाली जो टंकी है ये टंकी में कलर कर देना यार आज, ठीक है चलेंगे ना कर देंगे आज। हाँ कलर करके ना फिर अपन यहाँ पे कहीं पे भी रख देंगे। तो दोस्तों आज मैंने प्लानिंग किया कि भाई आज ना थोड़ी बहुत धूप भी है, मतलब धूप आ रही जा रही, तो मैंने एक प्लानिंग किया कि यार हमारी जो टंकी है यार इसको हमें ना कलर करके ना यार इस कोने में यार देखते यार कहीं पे भी हम रखेंगे, बट इसको पहले हम कलर करेंगे और हमारे गिनी पिग्स का सेटअप हम इसमें करने वाले यार। तो चलो ध्रुव चल कलर वगैरह लेके आते, ओके। और सुनना ये हमारे डव है ना यार, डव भी आगे जाने वाली है, मतलब उस बड़े वाले केज में जाने वाली है, बट अभी डिसाइड नहीं अपना, पहले तैयारी कर लेते। चल एक एक करेंगे सब। सुनना भाई हाँ हम इस टंकी को कलर कैसे करने वाले यार, इसमें कलर ना, अरे कौन सा कलर करेंगे? सुनना मेरी बात, मेरा और विशाल भाई का कल ही इसके ऊपर हमने मतलब पूरा डिसाइड कर लिया था कि अंदर पूरा व्हाइट कलर आने वाला है और बाहर से हम इसको है ना स्ट्रक्चर देने वाले हैं भाई, बहुत खूबसूरत लगेगा। हाँ हाँ, और अंदर से ना गिनी पिग का अपन पूरा सेटअप कर देने वाले हैं, ओके। और इसका भी रखने का लोकेशन हमने डिसाइड नहीं किया है, बट इसी रूम में हम रखने वाले हैं, ओके। तो दोस्तों हम अभी कलर लेके आ चुके हैं। ध्रुव सुन ना ये टंकी अपन जल्दी से बाहर लेते, उठा ऐसे उठा रहा भाई लिली, वो भाई ध्रुव सही है भाई तेरा, तो मैं अकेला नहीं उठा पाता इसको।
भाई मुझे एक ही टेंशन थी, ध्रुव यार ऐसा रिस्क काम मत किया कर यार, अभी लिली के बच्चे नीचे आ जाते यार। तो ध्रुव सुनना, ये पकड़ यार जल्दी, इसे जल्दी जल्दी बड़ा कर 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 जल्दी जल्दी, क्योंकि यार है ना दोस्तों नीचे कलर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो यार भाई घर वाले मुझे, क्योंकि घर वालों ने मुझे यहाँ पे परमिशन दी है, बट भाई ये रूम हमें ना पूरा साफ रखना होगा यार, ठीक है ना। कंटिन्यू ध्रुव सुन ले मेरी बात यार, ये रूम हमें भाई पूरा क्लीन रखना होगा, ठीक है ना। हर रोज इसको पोछा मारना, इसको झाड़ू करना हमें करना ही होगा भाई, स्ट्रिक्टली है भाई। चल फिर इसको जल्दी जल्दी कर, जल्दी 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 जल्दी, अभी इसके ऊपर टंकी रख दे, अभी उल्टे रखना भाई, नहीं पहले ना अंदर वाला कलर कर देते। हाँ ठीक है चल ओके। तो अभी हमारी जो टंकी है ये पूरी अंदर से क्लीन कर रहा है हमारा ध्रुव भाई। ध्रुव कैसा लग रहा है अभी, सुनना भाई सुन मेरी बात, बाहर से सुनना, यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर बनाना है भाई, ठीक है ना। तो मुझे भाई क्या बोले, यहाँ से आप ना पूरा कवर कर दो और ऊपर से कलर मार दो, मतलब सेलो टेप से आप पूरा कवर कर दो ऐसा, ये कौन सा टेप है मुझे नहीं पता यार, बट ये पूरा टेप से कवर कर दो स्ट्रक्चर के इसमें, फिर ऊपर से अपन कलर मारेंगे, कलर जब सूख जाएगा तब हम ये निकाल लेंगे। ओके चलो ठीक है। तो दोस्तों हमारी और एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, अभी वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ भाई। ये टंकी कैसे है होने वाली हमारी, ये जो टंकी ना भाई इसे ऊपर रहने वाली है ध्रुव, राइट ध्रुव, तो ऊपर रहने वाली है टंकी, तो अपने को ना यहाँ से लेकर ऐसा कट मारना है, ठीक है। अपना प्लानिंग तो ये हो चुका है, अब ये कट क्यों लगने वाला है, क्योंकि हम इनको अच्छे से देख भी सके और इनको अच्छे से फूड भी दे सके। तो ठीक है अभी इसको कट लगाते, फिर अपन उसका स्ट्रक्चर लगाते, फिर कलरिंग का काम स्टार्ट करते हैं। तोड़ दो भाई, तोड़ दे चल भाई अंदर। तो दोस्तों ये हो गया भाई अच्छा वाला शेप, ध्रुव इसका शेप ऐसा लग रहा है ना अपने जो फाउंटेन वगैरह होता है ना, फाउंटेन जैसा इसका लुक आ रहा है भाई। अभी हमें क्या करना है ना ध्रुव सुन मेरी बात, अभी अंदर से अपने ना व्हाइट कलर दे देते हैं और बाहर से ना वो सेलोटेप से अच्छा सा स्ट्रक्चर बना लेते और स्ट्रक्चर के ऊपर अपन कलर मार देते और फिर वो सेलोटेप अपन कलर सूखने के बाद निकाल लेंगे। ओके इधर से बाहर जाएगा ध्रुव कलर कटा हुआ है, सुनना सुनना उधर कुछ नहीं, जान दे नीचे अपन ने चटाई वगैरह लगाई तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अभी हमारा पहला वाला जो लेयर है ये हमने अंदर से अच्छे से मार दिया, तो ध्रुव अभी अपन क्या करते हैं सुनना, अभी बाहर से पूरा स्ट्रक्चर बना देते फिर उसके ऊपर कलर मारते पहले, फिर अपन अंदर का दूसरा वाला जो हाथ है वो देंगे। ओके फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लिया। तो अभी ना ध्रुव अपने को क्या करना है, इसके ऊपर व्हाइट कलर देना है, व्हाइट कलर करके हम ये सेलोटेप जैसे ही कलर सूख जाएगा ये हम सारे के सारे निकाल लेंगे। ओके तो चलो भाई अभी व्हाइट कलर देते, अंदर का अभी तक सूखा नहीं तब तक हम बाहर का देते, जब अंदर का सूख जाएगा फिर अपन अंदर का बाहर में देते, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो टंकी को हमने इसको एक बार मतलब पूरा हमने कलर मार दिया है और अभी सेकेंड टाइम, तो है ना दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, अभी जो सेकंड वाला मतलब इसको कलर मारेंगे ना तो वो कलर हम शाम को मारेंगे। ओके डन, अभी से सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ देते। ओके ऊपर से फैन भी चालू अच्छे से चल। हे गणेश तुम्हारे लिए बहुत जल्द एक अच्छा सा घर तैयार हो रहा है और तुम बहुत जल्द वहां पे शिफ्ट होंगे। हेलो खालो 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 होय। और दोस्तों अभी बहुत सारे भाइयों को एक डाउट होगा कि भाई एक और गिनी पिग था आपके पास वो कहाँ गया, तो मैंने वो एक गिनी पिग हमारे यहाँ पे एक पेट शॉप है वहाँ पे मैंने दे दिया और हमें उसकी जगह पे एक अच्छा पेयर आने वाला है गिनी पिग का, ठीक है। ये तो हमारा एक प्रॉपर पेयर हो गया, क्योंकि यार तो हमारे पास दो मेल थे और एक ही फीमेल थी, तो एक मेल मैंने दे दिया और अभी ये हमारे पास एक मेल फीमेल का पेयर हो गया। और भाई बोले कि अगले हफ्ते आपको मैं एक पेयर दे दूंगा, मतलब बहुत जल्द हमारे पास एक पेयर और आ जाएगा, फिर हमें दोनों पेयर वहाँ पे रखेंगे। डरा दिया यार इसने मेरे, चाया भाई क्या है भाई, मैं डर गया यार। हमारे यार चारों टर्टल चार दिन भर अभी यहीं पे घूमते रहते और रात को मैं इनको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। सुनना भाई, हाँ हम अंदर जाके हमारे कॉकटेल का दूसरा एक भी चेक कर लेते दिया या नहीं। तेरा कहना सही है ध्रुव, बट मैंने ना अभी कल ही मेरे पेट शॉप वाले अंकल से बात हुई थी, ठीक है। हाँ। जिस भाई को हमने हमारा गिनी पिग दिया ना
उसी भाई के साथ मेरी बात हुई तो मैंने उनको हमारे कॉकटेल को लेकर एक डाउट भी पूछा था, उनके जो एग है हम वो चेक करने के लिए अंदर जाए या नहीं। तो भाई अंकल ने अपने को साफ मना किया है बेटी कि उनको डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी चल, डिस्टर्ब नहीं चाहिए भाई, उनको डिस्टर्ब करेंगे तो भाई वो अंडे पर नहीं बैठेंगे भाई, अंडे ऐसे ही छोड़ देंगे फिर, ठीक है ना। तो अभी अपन क्या करेंगे, इनको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए ये नीचे आ रहे ना, ये देख अभी ये दो अंदर आ गए, एक यहाँ पे आ गया और एक देखो भाई, ये देखो ये देखो, ये भी पूरे घर में भी घूमते, बट मुझे एक ही यार डर लगता है कि भाई ये यहाँ से ना भाई यहाँ से सीधे नीचे ना चला जाए, इसी की वजह से मुझे यहाँ पे बहुत संभाल के रहना पड़ता है। तो दोस्तों अभी हम इसको दे रहे सेकंड टाइम कलर, और ये कलर देने के बाद हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 24 घंटे के लिए। ध्रुवी से कितना छोड़ना पड़ेगा, 24 घंटे के लिए ना? हाँ मतलब कल निकाल लेंगे यार मॉर्निंग में, मतलब पूरा सूख जाएगा। हाँ ठीक है चलेगा। तो अभी दो घंटे में पूरा सूख गया था, तो ये रात में आराम से सूख जाएगा, कंटिन्यू हम फैन वगैरह चालू रखेंगे तो ये जल्दी जल्दी सूख जाएगा। अभी ना ध्रुव देखना यार, पहले से काफी ज्यादा बेहतर लग रहा है ना। हाँ यार, और कल है ना ध्रुव सुनना, अपन ये जब ये निकालेंगे ना यार, इसका जो ये स्ट्रक्चर निकालेंगे ना यार, और ज्यादा सुंदर रहेगा यार। हाँ ना यार, अभी मुझे कल का ही इंतजार है यार, कब आएगा और हम कब इसको निकालेंगे। तो दोस्तों अभी हमारे टर्टल्स की फीड भी हो गई, और दोस्तों अभी हमारी टंकी को कलर पूरा कर दिया, और इसे हम सिर्फ कल है ना ये निकाल देंगे और इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है। ठीक है अभी हमें कल का इंतजार है, और हमारी लिली, लिली क्या कर रही है, लिली तो आराम से अभी बैठेगी यार, लिली की तो हमने यहाँ पे जगह थी यार बैठने की, तो यहाँ पे मैं कुछ रख देता हूँ, फिर हमारी लिली वहाँ पे आराम से बैठ सकेगी। तो ठीक है, इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ, वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।